हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर अग्रिमा रावत. ओके, सो वी हैव बीन डूइंग चैप्टर नंबर 3 प्लांटेशन. इन दिस वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट 3 डिवीजन, दैट आर एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट. नाउ इट इज टर्न ऑफ द फोर्थ किंग डिवीजन, दैट इज द जिम्नोस्पर्म. ओके, सो लेट अस मूव टू द जिम्नोस्पर्म देन. ओके, हियर हैज कम द जिम्नोस्पर्म. Okay, before going to the gymnosperm, we have to talk about something very important than this, related to this actually. The first 3 divisions do not have any existence of the seeds. जो पहले 3 divisions आपने पढ़े उनमें कोई भी seeds का जिक्र नहीं आया, कोई seeds नहीं होते हैं उनमें. But now from this division we are going to have the divisions that are having seeds. तो अब हम देखेंगे, जो हम आगे के अब 2 divisions पढ़ने वाले हैं उनमें हम seeds की existence देखेंगे, ठीक है. तो जो ये 2 king divisions हैं plants के जिनमें seeds दिखते हैं, इन दोनों ही kingdom को हम phanerogams बोलते हैं. Phanerogams, ओके. Phanerogams आर द सीड बियरिंग प्लांट्स एंड इट इज डिवाइडेड इंटू 2 डिवीजन, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है. जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. Phanerogams वो ग्रुप है जिसके अंदर सीड्स मिलते हैं और इसमें 2 पार्ट्स आते हैं, डिवीजन्स आते हैं आपके, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. नाउ बोथ आर हैविंग सीड्स. जिम्नोस्पर्म इज आल्सो हैविंग सीड एज वेल एज द एंजियोस्पर्म इज आल्सो हैविंग सीड. बट देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म? जब जिम्नोस्पर्म में भी सीड है, एंजियोस्पर्म में भी सीड है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके सीड्स नेकेड होते हैं, मतलब बाहर कोई कवरिंग नहीं होती, और एंजियोस्पर्म में कवर्ड सीड होते हैं. कैसे होते हैं? कवर्ड सीड, ठीक है. अब इसके कहने का मतलब क्या है, ये नेकेड और कवर्ड? टेक एन एग्जांपल ऑफ मैंगो. मैंगो का जो आप एग्जांपल ले रहे हैं, तो मैंगो में आपने देखा है, मैंगो का जो सीड है इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आउटर कवरिंग, दैट इज़ द फ्रूट, दैट इज़ द पल्प ऑफ द मैंगो, ठीक है. तो बाहर एक कवरिंग है ना जो कि सीड को प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है. और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि आपके नेकेड होते हैं, जो जिनमें बाहर कोई फ्रूट नहीं होता, तो कोई कवरिंग नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है, एक्सपोज होते हैं. ओके, सो दे आर कैटेगराइज अंडर द जिम्नोस्पर्म, दोज आर not having any seed covering, and those who are having the covering of the seed, they are included in the angiosperm. Clear about it? Okay, so just rub it off. Okay, so we are going to talk about the first division, that is gymnosperm. As it is mentioned here, gymnos means naked and sperma means seeds. So naked seeds, the gymnosperm means naked seeds. And how the seeds are formed, before that we have to be knowing about this. So there is an ovary. Ovary is actually the female sex organ. Female sex organ hota hai ovary, theek hai. This is what ovary. ये क्या है आपकी? ओवरी है, ठीक है. और इसके अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल. ओके, क्लियर. अच्छा, ये ओवरी के अंदर ओव्यूल जो है, ओव्यूल आगे चल के क्या बनाता है? सीड बनाता है. ओव्यूल आपका आगे चल के सीड बनाता है, और ओवरी आपके आगे चल के क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है, ठीक है. बट इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, जो हम जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो जिम्नोस्पर्म में आपको
ये जो आउटर कवरिंग दिख रही है ये नहीं होती, मतलब ये ओवरी नहीं होती, तो कोई फ्रूट भी नहीं होगा, तो सिर्फ ओव्यूल होगा और सीड होगा, बाहर कोई कवरिंग नहीं होगी, कोई ओवरी वॉल नहीं होती जिसकी वजह से ये एक्सपोज होते हैं, बाहर खुले में होते हैं। ठीक है, बात समझ आई? सो ये जो सीड्स होते हैं ये आपके कवर्ड नहीं होते, ये बात समझ आ गई होगी, नेकेड हैं। ओके, अब जिम्नोस्पर्म में आपको अलग अलग तरह के ट्रीज देखने के लिए मिलते हैं, अलग अलग साइजेस के, टॉल प्लांट्स, मीडियम साइज प्लांट्स, श्रब्स। टॉल प्लांट्स बहुत ही लंबे लंबे प्लांट्स, मीडियम एवरेज साइज के प्लांट्स, श्रब्स मतलब बहुत ही छोटे छोटे जैसे घास फूस जैसे, एक तरह से आपके श्रब्स भी देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, सॉरी घास फूस जैसे नहीं, एक तरह से आपके आपके वन टू फीट ज़्यादातर, या आपका 1-2 फीट, इतना आपको 1-3 फीट्स तक इतने होते हैं ये श्रब्स। ठीक है, तो इतने साइज़ के आपको जिम्नोस्पर्म देखने को मिलते हैं। एंड वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म दैट इज़ अ टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज दैट इज सीक्वा, इट इज़ द जाइंट रेडवुड ट्री। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम सीक्वा है। ओके, सिकोई या सीक्वा, आप यू कैन प्रोनाउंस इट एज यू वॉन्ट। ओके, सो दिस वॉज फॉर द साइज ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रूट्स, द पार्ट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म। सो द जिम्नोस्पर्म्स रूट्स आर टैप रूट, जनरली टैप रूट। इफ़ यू आर नॉट हैविंग नॉलेज ऑफ टैप रूट, वैसे आपने 9th क्लास में टैप रूट के बारे में पढ़ रखा है, बट एक बार रिवीजन के लिए अगर आपको नहीं याद है, सो दिस इज़ अ प्लांट और ट्री एंड इट इज़ हैविंग अ रूट एंड द रूट इज़ लाइक दिस। ओके, रूट कैसी है, ऐसे ऐसे आपको जैसे कैरेट होती है, ये सब इनकी ये जो शेप है इसे टैप रूट कहते हैं, ऐसी शेप को। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ रूट दैट आर फाउंड आर फाइबरस रूट लाइक दिस। ओके, दीज आर लाइक दिस। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज फाइबरस रूट। जनरली जो आपको जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगी वो टैप रूट है। ओके, कुछ में आपको फाइबरस मिलती होगी बट ज़्यादातर में आपको टैप रूट देखने को मिलेगी। ओके, एंड इन फ्यू ऑफ द रूट्स द फंगस इज फाउंड। कुछ रूट्स जो हैं आपके जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स के, उनमें फंगस की एसोसिएशन देखने को मिलती है, मतलब रूट्स और फंगस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं माइकोराइजा। ठीक है, इस एसोसिएशन को हम कहते हैं माइकोराइजा। और जो ट्री, जो प्लांट है आपका जो कि जिम्नोस्पर्म में माइकोराइजा जिसमें देखने को मिलता है, दैट इज़ पाइनस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट इज़ आस्क्ड इन मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जस्ट रिमेंबर इट। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ रूट इन अ प्लांट ऑफ जिम्नोस्पर्म दैट इज कॉल्ड ए साइकस, अ रूट कॉल्ड कोरालॉइड रूट्स आर फाउंड। ओके, कोरालॉइड रूट्स में साइनोबैक्टीरिया रहता है। ठीक है, तो ये जो साइकस की जो रूट्स हैं उसका नाम भी अलग से है, जिसको हम बोल रहे हैं कोरालॉइड रूट्स, और इस रूट में साइनोबैक्टीरिया जो कि मैंने बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, ये रहता है ये। और इस ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, ये भी नाइट आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, तो ये भी तो कुछ देगा, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इसको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फ्री है। ठीक है, फ्री घूम रही है तो प्लांट्स को उनकी ज़रूरत पड़ती है, बट प्लांट्स उन्हें सांस में ऐसी ब्रीद नहीं कर सकते, तो साइनोबैक्टीरिया हेल्प करती है इस नाइट्रोजन को प्लांट के अंदर डालने में। ठीक है, सो क्लोराइड रूट ये याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द स्टेम्स। सो स्टेम, फ्यू ऑफ द स्टेम्स आर ब्रांच्ड एंड फ्यू आर अनब्रांच्ड। जो कुछ जिम्नोस्पर्म्स हैं उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो ब्रांच होती है, कुछ की अनब्रांच होती है। तो ब्रांच कहने का मतलब अगर स्टेम के बाद डायरेक्टली आपका लीव्स हैं, ठीक है,
तो इसे बोलेंगे अनब्रांच्ड। यहाँ पे कोई ब्रांच ब्रांच नहीं दिखाई दे रही ना आपको, जैसे ब्रांचेस होती हैं, और कुछ में होती हैं ब्रांचेस, जैसे ऐसे ब्रांच होंगी, इसके ऊपर ब्रांच है, यहाँ पे ब्रांच है, फिर इनमें कहीं आपकी लीव्स लगी हुई हैं, ठीक है। सो कुछ जिम्नोस्पर्म में आपको ब्रांच देखने को मिलेंगे, कुछ में अनब्रांच देखने को मिलेंगे। अनब्रांच किस में देखने को मिलता है? साइकस। एंड ब्रांच देखने को मिलता है पाइनस एंड सिड्रस। साइकस एंड पाइनस तो आपकी बुक में दे रखा है, तो देख लेते हैं इसे। ये दिख रहा है आपको, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ साइकस, ओके, एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पाइनस। यहाँ देखने को दिख ही रहा है आपको कि ये आपका स्टेम है और इसमें फिर ब्रांचेस निकल रही हैं, ये दिख रही हैं आपको, ठीक है, ब्रांचेस निकल रहे हैं। तो ये ब्रांच है, ये आपका पाइनस है, ठीक है। एंड देन कमिंग टू दिस, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे अंदर की साइड छोटी सी रूट होगी, बहुत ही कम, ये तो ज़मीन पे ही बिल्कुल लगा हुआ है, और इसमें ऐसे करके लीव्स निकल रखी हैं। तो दिस इज़ व्हाट योर अनब्रांच साइकस इज, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द जिम्नोस्पर्म आर हैविंग पिन्नेट लीव्स। पिन्नेट लीव्स का क्या मतलब है? पिन शेप की, जो कि नीडल शेप, ऐसे नीडल शेप की लीव्स होती हैं। देखा भी होगा आपने बहुत सारे प्लांट्स में, जैसे कि अभी हमने पाइनस का एग्जांपल देखा, उसमें भी जो आपकी लीव्स हैं वो कैसी हैं, नीडल शेप की, सुई की जैसी हैं, ठीक है। और ऐसे कुछ आपके प्लांट्स होते हैं माउंटेन्स में भी मिलते हैं, कोनीफर्स जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, कोनीफर्स कुछ इस तरह के होते हैं आपके, कोन शेप के, ठीक है। ये ज़्यादातर आपको माउंटेन्स में ही देखने को मिलते हैं, माउंटेन एरिया में, अगर आप मसूरी शिमला ऐसी जगहों पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इस शेप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। ये मैं बताती हूँ आपको कैसे कैसे ये काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं कोनीफर्स का ही आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। कोनीफर्स इस शेप के कौन शेप के क्यों होते हैं, ये आपका कोर्स का नहीं है, बट तभी भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ। कोनीफर्स की शेप इस तरह की होती है, क्यों? क्योंकि माउंटेन्स में ज़्यादातर जगह पे बर्फ़ गिरती है, तो बर्फ़ की वजह से, स्नोफॉल की वजह से, जो अगर स्नो प्लांट के ऊपर अटक गई तो ये पत्तियों को गलाने लगेगी, ख़राब करने लगेगी, ठीक है। तो स्नो कैसी होनी चाहिए, वो खिसक जाए प्लांट से, गिरे प्लांट के ऊपर बट प्लांट से सरक जाए, बिल्कुल खिसक जाए और नीचे गिर जाए, कम से कम बर्फ़ ऊपर प्लांट के रुके, ठीक है। तो इसलिए कोनीफर्स की शेप कुछ इस तरह की होती है, ओके। एंड दीज पिन्नेटली शेप, पिन शेप की ये जो आपकी, या नीडल शेप की जो आपकी लीव्स हैं, इनका यूज़ क्या है, क्या काम है इनका? तो इस चीज़ को समझिएगा कि ये आपकी हर तरह के टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, विंड को अडेप्ट कर सकती हैं, अडेप्ट करने मतलब सह सकती हैं एक तरह से, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इस तरह से बनी हुई हैं, अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए या पे कहीं पे पानी कमी हो, ठीक है, तो ये झेल लेंगी। कैसे झेल लेंगी? नॉर्मली लीव्स आपकी कुछ इस तरह शेप की होती हैं, तो इनका जो सरफेस एरिया है वो बड़ा हुआ है, ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो इनमें से पानी भी ज़्यादा निकलता है। एक प्रोसेस होता है जो आपने पढ़ा भी होगा, ट्रांसपिरेशन, जिसमें कि प्लांट अपना एक्सेस वाटर, जो उसका बचा कुचा पानी होता है, उसे स्टोमेटास के थ्रू, लीव्स में जो स्टोमेटास होते हैं, जो पोर्स होते हैं, उनके थ्रू बाहर निकाल देता है। तो ये लीव्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इनमें से पानी भी ज़्यादा निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। बट जो ज़्यादातर ये जिम्नोस्पर्म्स, कुछ जिम्नोस्पर्म्स ऐसे होते हैं जो इनको पानी, कम पानी वाली जगह पे रह रहे हैं, कुछ माउंटेन्स में रह रहे हैं, तो माउंटेन्स में भी ज़्यादा पानी नहीं होता है क्योंकि नीचे पानी चला जाता है ऐसी, तो वहाँ पे पानी को बचा के रखने की ज़रूरत है। तो इनकी जो शेप है, इन्होंने कुछ इस तरह की कर ली, नीडल शेप की, जिससे कि नीडल शेप होने वजह से इनका सरफेस एरिया कम है, ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन भी कम से कम होगा। और भी इन्होंने तरीके अपनाए इस चीज़ में, इन्होंने इनके लीव्स के ऊपर मोटी सी एक लेयर होती है, ठीक है, जो कि इनकी, जिन्हें बोलते हैं हम क्यूटिकल, जो
लीव्स के ऊपर आपके प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल लेयर ट्रांसपिरेशन को कम कम होने देती है, ठीक है। और इसमें जो स्टोमेटास भी होते हैं वो संकन होते हैं, मतलब सिकड़े हुए होते हैं। सिकड़े होंगे तो पोर छोटा रहेगा, पोर छोटा होगा तो ट्रांसपिरेशन ऑटोमेटिकली कम होगा, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म ने अपने आप को अडेप्ट कर रखा है एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने के लिए, तो इस तरह से इन्होंने अडेप्ट किया अपने आप को, ठीक है। क्लियर अबाउट इट? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, चलिए अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की एक तरह से। तो इनकी लाइफ साइकिल किस तरह से चलती है? जिम्नोस्पर्म में दो तरह के आपको स्पोर्स देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे हेटरोस्पोर्स बोलते हैं। वो दो स्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन द टेरिडोफाइट, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम आपके स्ट्रॉबिलस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब स्ट्रॉबिलस स्ट्रक्चर वहाँ पे स्पोरोफिल से बनता है, यहाँ पे भी स्पोरोफिल से बनता है। अब यहाँ पे दो तरह के स्पोरोफिल्स होंगे, ठीक है, क्योंकि मेनली यहाँ पे सारे सारे के सारे आपके प्लांट्स हेटरोस्पोरस है, दो तरह की ही आपके स्पोर्स बनाएंगे। तो एक होता है आपका मेगास्पोरस या मेगास्पोरोफिल, स्पोरोफिल, और एक होता है माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। मैं एक पेन चेंज कर लेते हैं आपका, सेटिंग सारा देख ढंग से दिखे दिखाई करेगा हमें, ठीक है, सही से समझते हैं हम अच्छी तरह से। आपके दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, तो दो तरह के स्पोर्स आपके दो अलग अलग स्ट्रक्चर से बनेंगे। एक आपका स्ट्रक्चर होता है माइक्रो स्पोरो फिल, ठीक है, और दूसरा होता है मेगा स्पोरोफिल। स्पोरोफिल याद है ना, जो लीफ के लीफ जिस पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर प्रेजेंट है। अगर आपको ये याद नहीं है तो टेरिडोफाइट जाके एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है, मैं इसे शॉर्ट में ही लिख रही हूँ। तो माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर किस बॉडी पे प्रेजेंट है? स्पोरोफाइट पे, ठीक है, ये तो याद होगा ना। स्पोरोफाइट जो मेन प्लांट बॉडी, तो इसकी स्पोरोफाइट ही होगी। अब सारे जो प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे वो स्पोरोफिटिक ही दिखाई देंगे। तो मेन बॉडी स्पोरोफाइट है, इसके ऊपर आपके मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, कुछ जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें कि आपको दोनों माइक्रोस्पोर और मेगास्पोरोफिल एक ही में देखने को मिलेंगे, एक ही प्लांट पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिम्नोस्पर्म के जिनमें आपको ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग प्लांट में देखने को मिलेंगे, मतलब एक प्लांट ऐसा होगा जिसमें सिर्फ फीमेल ये आपका मेगास्पोरोफिल ही प्रेजेंट होगा, और एक प्लांट होगा जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जिन प्लांट्स में आपके जो आपका ये है मेगास्पोरोफिल माइक्रोस्पोरोफिल दोनों एक ही में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कहते हैं हम पाइनस, ठीक है, और जिनमें दोनों में अलग अलग में प्रेजेंट होते हैं वो उन्हें कहते हैं साइकस, ठीक है। तो ये मेगास्पोरोफिल माइक्रोस्पोरोफिल क्या बनाएगा आपका? स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया से आपको बनेगा कोन। तो ये माइक्रोस्पोरोफिल आपका क्या है, ये स्ट्रक्चर कंबाइन हो जाते हैं, इन्हीं के अंदर क्या है, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया आपका कंबाइन होके क्या बनाता है, अच्छा ये आपका माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगा, ठीक है, माइक्रो स्पोरेंजिया, और यहाँ बनेगा मेल स्ट्रॉबिला या स्ट्रॉबिलस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सेम टू सेम मेगास्पोरेंजिया बनेगा, ठीक है, और इसमें इसका कंबाइन होके क्या बनाएंगे, ये फीमेल स्ट्रॉबिलस या कोन भी कहते हैं इसे, ठीक है।
ये तो टेरिडोफाइटा में हमने पढ़ा ही था, इसे कोन भी कहते हैं स्ट्रॉबिलस को, ठीक है, फीमेल स्ट्रॉबिलस या कोन, या एक और चीज़ है इसमें, इसमें एक और नाम दे रखा है लैक्स, ठीक है, ये स्ट्रॉबिलस को लैक्स भी कहते हैं। अब इनके अंदर से आपका क्या होना स्टार्ट होगा, यहाँ पे स्ट्रॉबिलस के अंदर आपका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें आपके माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? माइक्रो स्पोर्स, ठीक है, और ये चार बनेंगे। कैसे बने ये? मियोसिस की वजह से। मियोसिस याद है ना, चार उसमें बनते हैं, हैप्लॉइड हो जाता है, तो यहाँ पे चार आपके हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन गए, ठीक है। ये स्ट्रॉबिलस आपका डिप्लॉइड था, अब आपके हैप्लॉइड चार स्पोर्स बन गए। अब यही चीज़ आपकी फीमेल स्ट्रॉबिलस में भी होगी, ठीक है। फीमेल स्ट्रॉबिलस में कैसे होगा? यहाँ पे आपका मेगा स्पोर बन जाएगा, मेगा स्पोर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फीमेल गैमेट बड़ा होता है, इसलिए मेगा, और माइक्रो क्यों? क्योंकि मेल गैमेट छोटा होता है। इसमें भी आपके चार गैमेट्स बन जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ चार बन गए। अच्छा, अब इनमें से क्या होता है कि तीन जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट होने मतलब ख़त्म हो जाते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जो फीमेल गैमेट होता है उसे तो अपनी जगह पे ही रहना है, उसे कहीं मूव करके नहीं जाना, तो वो एक भी काफ़ी है। जबकि जो मेल गैमेट होता है उसे मूव करना पड़ता है एक से दूसरी जगह पर, तो इसलिए उनका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसलिए ये चार के चार सर्वाइव करेंगे, बट फीमेल में सिर्फ एक ही सर्वाइव करता है, ठीक है। इतनी बात समझ आई? अब इनसे बनेंगे, ये मेगा स्पोर से बनेगा आपका आर्किगोनियम, ठीक है। आर्किगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, एक तरह से आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसके अंदर सब कुछ होना है, ठीक है। और आर्किगोनियम को ही हम क्या कह सकते हैं? आपका गैमेटोफाइट है ये, ठीक है। ये आपका स्पोरेंजिया के अंदर ही बनेगा आर्किगोनियम, ठीक है। तो आर्किगोनियम आप इसको गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट कंडीशन थी, अब गैमेटोफाइट आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट बनेगा, जिसे हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं, पोलन ग्रेन, ठीक है। अच्छा, पोलन ग्रेन किस तरह से होता है? कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है पोलन ग्रेन, और इसके अंदर दो आपके गैमेट्स होते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन के अंदर दो गैमेट्स होते हैं आपके, क्लियर। अच्छा, आगे चलते हैं हम। आर्किगोनियम में क्या होता है? आर्किगोनियम आपका कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी सेल्स हैं, अब इसकी इसके अंदर बहुत सारी जो सेल्स हैं, इसमें से एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करती है, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल का क्या मतलब है? इन सारी सेल्स को मिटा देते हैं। मेगास्पोर मदर सेल का मतलब ये है जो कि एग बनाएगी, ठीक है। तो ये बहुत सारी जो सेल्स थी इसके अंदर, जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स थी, इन सबको हम क्या कहते हैं? न्यू सेल्स, ठीक है। और ये सब आपकी क्या हो जाती है? ये इनमें से एक मेगास्पोर बना लेती है और सारी आपकी कवरिंग बनी रहती है, ठीक है। एक और बार बार मुड़ जा रहा है, तो ये और सारी कवरिंग बना देंगी यहाँ पे, और बीच में एक ओव्यूल बन जाएगा आपका बड़ा सा, ठीक है। ओव्यूल के अंदर ही क्या है? एग प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एग, जो कि फीमेल गैमीट है एक्चुअल में। पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है? मेल गैमीट, ठीक है। और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? फीमेल गैमीट, ठीक है। फीमेल गैमीट यहाँ पे प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसे मिटा देते हैं इसके
की आगे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ओव्यूल को एनक्लोज किसने कर रखा है, प्रोटेक्ट किसने कर रखा है, न्यूसेलस ने यहाँ पे, ठीक है, न्यूसेलस की सेल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे। अब क्या होगा, अब ये पोलन ग्रेन, क्योंकि अभी मैंने बताया था मेल गैमेट उड़ के आता है, तो ये पोलन ग्रेन जो गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट, ये उड़ जाता है हवा की हवा के कांटेक्ट में आके, ठीक है, ये उड़ेगा, हल्का होता है, उड़ेगा और यहाँ पे पहुँचता है। और ये चार बने, ये ध्यान रखना, ये पोलन ग्रेन कितने बने, चार बने हैं। इनमें से कोई बाई चांस एक तो पहुँचे, इसलिए ये चार बने, क्योंकि रास्ते में क्या हो सकता है, कोई डैमेज हो सकता है, कोई इनको कहीं पर रुक गया, कुछ वैसा हो गया, पानी में डूब गया, कोई कोई ना कोई एक तो पहुँचे, तो इसलिए ये चार बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया एक पहुँच गया, आर्गिगोनियम के माउथ पे पहुँच गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पहुँच तो गया ही है, इसे मिटा देते हैं एक मिनट। अब ना एक अच्छी तरह से इसको पूरा क्लियर करके फिर से बनाता हूँ। अब मैं न्यूसेलस की सेल्स वगैरह नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ देखिए, ये आपका ओव्यूल है और इसके अंदर एग है, ठीक है। अब यहाँ पोलन पहुँच गया आपका, अब पोलन में से बनती है पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब बनेगी कुछ इस तरह से, जो कि ओव्यूल तक पहुँचेगी। अब आप बोलोगे पोलन ट्यूब क्यों बनी, पोलन सीधा क्यों नहीं चला गया, क्योंकि पोलन बड़ा होता है, उसके एक्चुअल में जो पहुँचना है ओव्यूल के अंदर वो है ये अंदर के मेल गैमेट्स जो आपके दिख रहे हैं, ये पहुँचना है। तो पोलन ट्यूब से ट्रैवल होते हुए ये मेल गैमेट अंदर ओव्यूल में पहुँचता है, और ओव्यूल के अंदर क्या है, एग। तो इसको भी बड़ा करके देखते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, ओव्यूल को बना के देखते हैं। ये ओव्यूल है आपको, बड़ा सा करके दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब यहाँ पे है एग, ठीक है। अब जो एग है वो आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। अब पोलन से आपका क्या निकल के आए, मेल गैमेट्स, वो पहुँचेंगे इसके अंदर, ठीक है। मेल गैमेट जाके इसको फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। ये दोनों मिलेंगे और फर्टिलाइज करेंगे एक दूसरे को, तो मेल और फीमेल गैमेट मिल गए यहाँ पे। मेल गैमेट कौन है आपका, पोलन ग्रेन बोल सकते हैं आप, और फीमेल गैमेट एग। यहाँ पे इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद इन दोनों ने क्या बनाया, जायगोट। और जायगोट तो एक ही सेल होती है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये डिवाइड करेगा और ये बनाएगा एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो क्या होता है, अगर हम प्लांट के केस में देखेंगे, एम्ब्रियो प्लांट सीड के अंदर होता है। आपने कभी चना भिगाया होगा घर में, ये मान लिया चना है, चने का एक बीज है, इसके अंदर आपने कभी इसको खोल के देखा है, दो पार्ट्स करके देखेंगे तो बीच में जो पार्ट दिख रहा होता है ना आपको, जो इन दोनों को जोड़ता है, दोनों पार्ट्स को, दो कॉटिलेडन्स को, दो हिस्से होते हैं ना चने के, उनको कॉटिलेडन कहते हैं। तो बीच में जो हिस्सा आपको दिखता है वो एम्ब्रियो है। अगर ये भी नहीं आपने देखा तो कभी आपने चने को स्प्राउट करते हुए देखा होगा, अंकुरित होते हुए देखा होगा, तो उसमें से निकलता हुआ आपको प्लांट सा दिखाई देता है ना, वही एम्ब्रियो होता है। वो छोटा होता है तो प्लांट सीड के अंदर दिखाई देता है हमें, और जब बड़ा हो जाता है तो इस तरह से हमें हरा सा लंबा सा दिखाई देने लगता है, इसी से प्लांट बनता है आपका, ठीक है। तो एम्ब्रियो सीड के अंदर ही है आपका, तो सीड को ही हम एम्ब्रियो बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जायगोट से बनेगा एम्ब्रियो, और फिर एम्ब्रियो आपका क्या डेवलप कर लेगा, आगे चल के बना देगा प्लांट, ठीक है। तो आगे चल के ये एम्ब्रियो क्या बनाएगा, प्लांट बनाएगा प्रॉपर आपका, जिसे हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म के, उसमें मेन प्लांट कौन है, स्पोरोफाइट। कौन है, स्पोरोफाइट, है ना। और ये आपका स्पोरोफाइट बन जाएगा, ठीक है, बात क्लियर हुई। तो इस तरह से आपका ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही हो रहा है, जैसा कि आपने ट्रेडोफाइट वगैरह में देखा। तो उसमें बस आपका पोलन ग्रेन, एग, ये सब आपका थोड़ा सा नया चीज़ आ गई। पोलन ग्रेन एक नई वो आ गई आपकी, एग तो आप पहले भी बात कर रहे थे,
तो यहाँ पे और सिंप्लीफाइड हो गया ये चीज़, ठीक है। सो एक बार आप कंटेक्स्ट में भी देख लीजिए इसे, नीचे वाला वो देख लेते हैं यहाँ पे। अनलाइक ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, अच्छा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, ये इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं रखते। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका गैमेटोफाइट बना था, जो ये एग, ये आर्किगोनियम बना था, ये आर्किगोनियम किसके अंदर रहेगा, स्पोरेंजियम के अंदर रहेगा। स्पोरेंजिया जो है वो आपका किसके अंदर है, स्पोरोफाइट के अंदर। तो ये इतना छोटा होता है कि ये बाहर दिखाई भी नहीं देता, विजिबल भी नहीं है। और पोलन ग्रेन भी गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट, ये भी इसके अंदर रहता है, ये बाहर आता है, बहुत ही छोटा है बट, ठीक है। तो इनकी कोई फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है गैमेटोफाइट स्टेज की, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोसोमजन, दे आर कैरीड इन द एयर करंट एंड कम इन कॉन्टेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बॉर्न इन माइक्रोस्पोरम मेगास्पोरोफिल। बता ही दिया मैंने, मेगास्पोरोफिल क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि ओव्यूल या फिर आपका आर्किगोनियम इसी के अंदर प्रेजेंट है ना, इसलिए, ठीक है। पोलन ट्यूब बनती है और मेल गैमेट जो है आर्किगोनिया तक पहुँचता है, ओव्यूल, और ओव्यूल तक पहुँचेगा जिसमें कि आपका वो आर्किगोनियम में आपका रिलीज़ कर देगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा और ओव्यूल आगे चल के क्या बनाएगा, आपका सीड बनाएगा, ठीक है। बस हो गया। और ये सीड जो होते हैं वो कवर्ड नहीं होते, बात समझ आ गई, ठीक है। सो दिस वॉज द जिम्नोस्पर्म, ओके क्लियर, आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट इट, ओके थैंक यू।